सुकमा जिले में 5 ग्रामीणों का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया है। नक्सलियों ने शुक्रवार कोटा के बटेर गांव से 4 ग्रामीणों का अपहरण किया था। इसके बाद एक अन्य ग्रामीण को शनिवार को उठाकर ले गए हैं। पांचों ग्रामीणों का अब तक कोई खबर नहीं मिल पाया है। वहीं इस बीच सुकमा में सर्व आदिवासी समाज ने नक्सलियों से अपील की है कि उन्हें जल्द से जल्द सकुशल रिहा किया जाए। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने भी मामले की पुष्टि की है। दूसरी ओर आशंका जताई जा रही है कि हाल ही में बटेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए थे। इसी संबंध में नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों का अपहरण किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। नहीं, हम लोग वहाँ बटेर में हमारे 5 भाई लोग हैं, तो उसको अंदर वाले दादा लोग उनको 500 परसों 4 जन को, कल 12 बजे 1 जन को, पूरा 5 जन को हमारे भाई लोगों को लेके गए। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सुरक्षा में हमारे आदमी को छोड़ दे, यही निवेदन करता हूँ हमारे भाई लोग। आप आदिवासी समाज का बैठक भी हुआ है, क्या निर्णय हुआ है? तो हम आदिवासी बैठक में यही निर्णय किए कि जो भी अपना आदमी है, समाज का है, इसलिए हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि उस आदमी लोगों को लेके गए तो उसको सुरक्षा से छोड़ दें। अभी मेरे को अभी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ ग्रामीणों को नक्सली जबरदस्ती पकड़ के ले गए, उसमें अपहरण भी हो सकता है, पता पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जैसे जैसे विकास आगे बढ़ रहा है और शासन की योजनाओं से कैंप और गांव-गांव में बिजली और सड़क पहुंच रही है, उससे नक्सली बौखला गए हैं और गरीब आदिवासी ग्रामीणों पर अत्याचार और इस तरह की घटनाएं कारित करने में लगे हुए हैं। देखा जा रहा है, ये हमारे नियरेस्ट कैंप से 20 किलोमीटर दूर अंदर का गांव है, वहाँ पे हमारा भी कोई उस स्थान पे अभी सुरक्षा प्रदेश नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ वहाँ कैंप खुलेगा तो ग्रामीण और आदिवासी लोग वहाँ पे सुरक्षित हो जाएंगे और नक्सली के इस तरह के अत्याचार से उनको मुक्ति मिलेगी।